डबल्स पर मैंने कल भी राय दी थी, आज फिर दे रहा हूँ। इसका 900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 44-45 पर ट्रेड कर रहा है नवंबर सीरीज का, 44-45 पर ट्रेड कर रहा है दीपांशु। मैकडोवल्स को खरीद कर चले आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हिसाब से कल एक मूव आया ये और कंटिन्यू होगा। इनफैक्ट मैंने कल भी बताया था आपको कि 900 तो जाएगा ही, वो गया ही शॉर्ट टर्म में, बट मुझे ऐसा लग रहा है अपसाइड 940-960 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं दीपांशु। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सो यहाँ पे खरीद कर चल सकते हैं कॉल ऑप्शन के थ्रू। 44-45 की रेंज में आप खरीदें और डाउन साइड आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 32 पर, पहला टारगेट जो यहाँ पे बनेगा। सिंस नवंबर की पूरी सीरीज बाकी है तो मैं थोड़े अग्रेसिव टारगेट सब देना चाहूंगा मैकडॉवल्स पे। पहला टारगेट जो इसका बनेगा वो 68 का, सेकंड टारगेट बनेगा 81 का। 68 एंड 81 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदिए आप मैकडॉवल्स का 900 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, एंड दिस कैन बी वन ऑफ द स्टॉक फॉर द सीरीज ऑफ नवंबर। सीमेंट सेक्टर से ही स्टॉक है ACC। ये स्टॉक में देखें तो पिछले दिनों में जो एक करेक्शन देखने को मिला, पिछले 3-4 वीक से स्टॉक ने बेस बनाया करीब 2200 के आसपास, और जिस तरीके से सीमेंट स्टॉक में हमने पिछले दिनों में जिस तरीके से एक्टिविटी देखी, हमें लगता है कि यहाँ से जो सेक्टर अब चलना चाहिए वो एक सीमेंट स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है। तो ACC को बाय करेंगे 2275 के आसपास, 2280 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें 2280 से लेके 2250 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 2220 के आसपास, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे वो आना चाहिए करीब 2400 रुपए तक के,